घंटे शेष बचे हुए हैं, उसको लेकर के हम संकट मोचन हनुमान मंदिर सीतापुर में उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे अयोध्या में भव्य राम दरबार बना हुआ है, उसी तरीके से यहाँ पर ये राम मंदिर का गया है। यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी है क्योंकि लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और यहाँ पर लोग सेल्फी भी लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मुझसे जानते हैं, आखिर यहाँ पर आते हैं उनको ये जो एक रामलला का पूरा सजीव एक चित्रण दिखाया जा रहा है, तो उससे उनको क्या लगता है और जो कल एक ऐतिहासिक दिन है उसको लेकर के ये लोग कितना उत्सुक हैं? ये क्या नाम है आपका? गोपाल जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रामलला के पास इसको लेकर के कितना उत्सुक है? यहाँ पर एक सजीव चित्रण दिखाया जा रहा है, थर्माकोल का एक अयोध्या राम मंदिर पूरी राम नगरी बनाई गई है, तो इसको देखने के लिए आप कहाँ से आए? आपका क्या नाम है भैया? हर्ष गुप्ता। हमारे साथ हर्ष गुप्ता भी है। जैसे कब रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो आप कितना उत्सुक हैं? हम लोग ये इतनी उत्सुकता हो रही है हम लोगों को कि हमारे 500 साल बाद हमारे राम जी हमारे अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। हमारा पूरा देश इस चीज का बिल्कुल गर्व महसूस करता है। हमारे जैसा मोदी जी ने बताया कि जैसे हमारे राम जी आ रहे हैं तो उनकी हम आने की खुशी में हम लोग दीपावली का महोत्सव मनाएंगे, दीप जलाएंगे, और हम लोग की एक इतनी अंदर से खुशी है कि हम उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हमारे साथ भैया है, आपका क्या नाम है? आप कितना उत्सुक हैं? बहुत ज़्यादा। हम तो कमेटी द्वारा प्रसाद वितरण भी कराया रहे और दीपावली महोत्सव भी बना रहे, और हम लोगों से आग्रह भी निवेदन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग लें, और कल विशाल भंडारा भी है। तो जैसे सजीव चित्रण एक बनाया गया थर्माकोल का पूरा राम दरबार पूरे अयोध्या के तल पर बनाया गया है, तो उसको देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं और आएंगे, क्योंकि जो अयोध्या जा नहीं पा रहे वो कम से कम यही दर्शन करके जो है अपनी कल्याण चाहते हैं। अच्छा, इस तरीके का जो पूरा मंदिर पूरा राम दरबार बनाया गया है, इसको बनाने के लिए कहाँ से मिलेगा, कितना समय लगेगा? इसमें काफ़ी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं, काफ़ी लोगों से राय लिया हमने, और यहाँ एक कमेटी में है मोनू शुक्ला के द्वारा ये बनाया गया, स्थापित किया गया, तो जो है काफ़ी दिन से चर्चाएं चल रही थी, ये पूरा हुआ तो यहाँ रखा गया। बिल्कुल, कहीं कहीं लोगों के अंदर बहुत भारी उत्साह है, क्योंकि जिस तरीके जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर थर्माकोल का एक पूरा ढांचा बनाया गया है, जिस तरीके से अयोध्या में रामलला का एक पूरा गर्भगृह बना है, पूरा मंदिर बनाया गया है, और वो इसी में विराजमान होंगे।